जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ गिरी है तो वहीं मुल्क के कई इलाकों में गर्मी से बुरा हाल है इस बार भी गर्मी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस साल 2024 में अप्रैल के महीने में ही कई जगह 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है कई रियासतों में जमकर लू चल रही है जिसके लिए वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है वेदर डिपार्टमेंट के ताजा अपडेट के मुताबिक ओडिशा और वेस्ट बंगाल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है वही केरल बिहार झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु में हीट वेव की हालत बनी रहेगी भारत के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव कंडीशन बनी हुई है गंगई पश्चिम बंगाल हो या ओडिशा है रायलसीमा है रायलसीमा की अगर बात करें तो 45 और 46 डिग्री तक के तापमान वहां पर दिखाई दे रहे हैं पटना में भी दर्जाएं हरारत 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है और हालात ये हैं कि इससे सब्जियों के दाम बढ़ने भी शुरू हो गए हैं वहीं इस गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि कई इलाकों में बारिश की पेशनगोई भी की गई है इसके अलावा अगर दिल्ली की बात की जाए तो जुजवी तौर पर आसमान में बादल छाए रहने से टेम्परेचर नॉर्मल से एक डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने से गर्मी जरूर रही लेकिन दिल्ली में लू से अभी राहत है दिल्ली में आने वाले दिनों में दर्जाए हरारत बढ़ने का इम्कान है और ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है ब्यूरो रिपोर्ट सलाम टीवी